Urdu is one poet language in the world, and I'm saying with total confidence, jiski pehle din se shayari anti-religiosity thi, anti-fundamentalism thi. आइए हम अपने मेहमानों को दावत देते हैं. हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में जनाब जावेद अख्तर साहब एक बार फिर इस बज़्म की रौनक दोबाला कर रहे हैं. जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, इम्तियाज़ अली साहब, जनाब तिकमांशु धोलिया साहब और शरीके गुफ्तगू हैं फरीदून शहरियार साहब. तो हमारे तमाम मेहमानों का एक बार फिर दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल कीजिए, खुशामदीद कहते हुए भरपूर तालियों के साथ. बज़्म की रौनक को एक बार फिर दोबाला कर रहे हैं. चलिए, काफी बदतमीज जनता है, लगता है मजा आएगा. एंड वी आर फीलिंग राइट एट होम. गुड आफ्टरनून आप सब लोगों का आने के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर. एंड इट्स अ ह्यूज प्लेयर टू हैव जावेद अख्तर साहब विद अस एंड इम्तियाज़ अली एंड तिकमांशु धोलिया साहब. वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए. सो उर्दू ज़बान का ताल्लुक हिंदी सिनेमा से बहुत ही ज़्यादा गहरा रहा है शुरुआत से. और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि जावेद साहब हमारे साथ में हैं, बिकॉज आई थिंक जितनी मालूमात उनको है इस आज़ादी के बाद से और जिस तरीके का एक उरूज रहा है उर्दू का और आज भी है, तो हम उनसे बहुत सी चीज़ें बात कर सकते हैं. जावेद साहब, आपसे शुरू करेंगे. दैट उर्दू का अगर आप देखें जो थिएटर से एक इन्फ्लुएंस जिस तरीके से रहा है कहीं ना कहीं, और चाहे वो पारसी थिएटर हो, चाहे वो और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जो एक मूवमेंट रहा था, वो किस हद तक ज़िम्मेदार है उर्दू का फिल्मों में एक अच्छे चलन के लिए? देखिए, उर्दू बुनियादी तौर से एक अर्बन ज़बान रही है नॉर्थ इंडिया की, और उसकी फोनेटिक्स पे, उसकी सटल्टीज पे, उसके नुएंसेस पे बहुत सीरियसली काम किया गया. इस हद तक काम किया गया है कि आप ये सोचिए कि गालिब जो बहुत बड़ा शायर था, उसकी किताब उनके दो दोस्त थे जिन्होंने एडिट की, उसमें एक शेर था, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इमका को एक नक्शे पा पाया. अब मैं ट्रांसलेट कर दूंगा तो और दिल से वाह वाह करेंगे आप. तो ट्रांसलेशन ये है दोस्त, जरा सुनो. दैट ओ लॉर्ड ओ गॉड, वेयर इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, बिकॉज द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी is only equal to what one footprint of human being. कि जो possibility का इसे है वो तो एक footprint. What a thought, what a great thought. मगर ये शेर उनके दीवान में नहीं है, ये शेर काट दिया गया, इसलिए कि उनके दोस्तों ने कहा कि नक्शे पापाया. ये पापाया क्या होता है, ये साउंड ठीक नहीं. तो जहाँ इतना phonetics पे वर्क किया गया हो कि सिर्फ पापाया की वजह से इतना अच्छा शेर काट दिया, वहाँ बरसों तक, कम से कम 250 साल इस पे लैंग्वेज के नुएंसेस पे काम हुआ, इसकी साउंड पे काम हुआ, फोनेटिक्स जिसे कहते हैं, इसकी सटल्टीज पे काम हुआ, और इसमें जो बारीकियाँ और जो मुलायमियत और जो पॉलिश आई वो कमाल की थी. तो ये ज़बान जब उर्दू पारसी थिएटर आया उसमें इस्तेमाल हुई, और कोई हैरत की बात नहीं जब टॉकी आई, जो पहली टॉकी बनी आलमारा, उसकी भी ज़बान उर्दू थी. और बावजूद इसके कि हमाररी फिल्मों की ज़बान हिंदुस्तानी है, वो प्योर उर्दू भी नहीं है, हिंदुस्तानी है जो हिंदी और उर्दू से मिली हुई होती है, लेकिन इफ़ इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स एनी लैंग्वेज देन इट इज़ बेंडिंग डेफिनेटली टूवर्ड्स उर्दू. तो आज तक वो है. और आप अगर राइटर्स की लिस्ट देखेंगे, डायलॉग राइटर्स की या लिरिसिस्ट की, वर्ड्स तो वही देते हैं, तो आप देखेंगे कि देर इज़ अ लीजन ऑफ राइटर्स. जो डायलॉग राइटर हैं, कृष्णचंद, रण सिंह बेदी, इसमत चुगताई, इंदिराज आनंद, गुलजार,
राजेंद्र कृष्ण, वजाहत मिर्ज़ा, ग्रेट राइटर वजाहत मिर्ज़ा, ये सारे के सारे उर्दू डिसिप्लिन से आए हुए, आनंद बख्शी, साहिर मजरू, राजन कृष्ण इज़ अ सॉन्ग राइटर ऑल्सो, तो ये मोस्ट ऑफ देम मजरू, तो आप देखेंगे कि लिव जो है सॉन्ग राइटर। देखिए क्या है कि कामयाब होने के अलावा मैं हम्बल भी बहुत हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा था आप लोग कहेंगे थैंक यू। चलो तो आप एक लीजन देखेंगे कि ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली जो डायलॉग राइटर हैं वो उर्दू डिसिप्लिन से आए हैं, जो सॉन्ग राइटर हैं वो उर्दू डिसिप्लिन से आए हैं, और अगर वो नहीं भी उर्दू में लिखते जैसे और भी राइटर हैं तो उनका भी अगर आप वो करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिसाइफर करेंगे उनकी लैंग्वेज, तो उसमें भी आपको एक लम्हे के का झुकाव मिलता। कतई कलामी के लिए माजरत खा हूँ, हमारे चौथे मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, इस्तकबाल आपका भी। और जावेद साहब कतई कलामी के लिए माजरत खा हूँ, जहाँ से गुफ्तगू के सिलसिले को हमने अधूरा छोड़ा था, बराए करम वहीं से आगे बढ़ा दी। नहीं, मैं अपनी बात कह चुका, आपने सही वक्त पर रोका मुझे। जावेद सिद्दीकी साहब आदाब, आप बहुत बहुत आपका इस्तकबाल। जावेद साहब आपने शतरंज के खिलाड़ी में आपने अपने डायलॉग्स लिखे, उमराव जान के आपने डायलॉग्स आपने लिखे, मम्मो फिल्म के बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट फिल्म थी उसके आपने डायलॉग्स आपने लिखे, आप कैसे देखते हैं ये जो उर्दू का एक इन्फ्लुएंस जिस तरीके से रहा है हिंदुस्तानी फिल्मों पर? अबरार अलवी साहब को आप आई थिंक अपना गुरु मानते हैं, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्त जावेद अख्तर साहब मुझसे पहले क्या क्या बता चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हमें ये सोचनी होगी कि हम जब फिल्मों में उर्दू की बात करते हैं तो उससे मुराद क्या होती है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी फिल्म की कोई ज़बान होती है। ज़बान तो उन किरदारों की होती है जो फिल्म में दिखाए जाते हैं, वो किरदार अगर हिंदी बोलने वाले हैं तो हम उनके लिए हिंदी लिखते हैं, अगर वो उर्दू बोलने वाले हैं तो हम उर्दू लिखते हैं, उसमें राइटर तो दिखाई ही नहीं देता, ये मुकालमों की बात है। हाँ, ज़बान दिखाई देती है गानों में, गीतों में दिखाई देती है, और गीत जो हैं वो बग़ैर उर्दू के मैं नहीं समझता कि मुकम्मल हो सकते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी गीत लिखे गए हैं वो इश्क और मोहब्बत और वफा और सनम जैसे लफ्ज़ों के बग़ैर आज भी नहीं होते, और जिन लोगों ने इस रविश से हटने की कोशिश की वो इस लाइन में कामयाब नहीं हो सके। मेरा ख़्याल ये है कि एक उसकी वजह ये भी है उर्दू का जो चलन है कि उर्दू आज भी तमाम प्रोपेगंडे के बावजूद अवाम की ज़बान है, और सिनेमा जो है वो अवाम का एंटरटेनमेंट है, इसलिए हम जिस ज़बान में हमको लिखा जाने के लिए कहा जाता है वो यही होता है। पहली फरमाइश यही होती है कि सर ऐसा लिखिए कि यहाँ ये मतलब कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक हर आदमी की समझ में आ जाए, तो इसलिए हम उर्दू लिख देते हैं, और उर्दू जो है वो अपना पैगाम हर जगह पहुंचा देती है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले 100 साल में उर्दू जो है वो फिल्म की ज़बान रही है, और मेरा ख़्याल है जब तक फिल्में हैं शायद तब तक रहेगी, इसलिए कि बनती नहीं है बाद और सागर कहे बगैर आप करेंगे क्या करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक रहना भी चाहिए उर्दू को, लेकिन तिग्मांशु आपको लगता है कि दैट उर्दू का जो यूजेज है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, कहीं ना कहीं ज़बान को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है? हाँ, कम हुआ है, और मुझे लगता है ये 1980 से अगर देखा जाए, जिस तरह से जो 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा के का डेथ का वो दशक था, क्योंकि उस वक्त वीडियो आ गया था, थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी, आरडी बर्मन जैसा एक महान कलाकार घर में बैठ गए थे, और हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे, अच्छे घर वाले आप जैसे लोगों के यहाँ जो है कोई फिल्में देखने नहीं जा रहा था, तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s
जो शुरुआती दौर 90s का रहा, पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। और बम्बैया फिल्मों का मार्केट बढ़ा, हम ज़्यादातर NRIs के लिए फिल्में बना लेंगे, फिल्मों में थोड़ी गुजराती बना और पंजाबियत ज़्यादा आ गई, शावा शावा ये सब चीज़ें होने लगी, जिसको बोलते हैं कल्चर, संस्कृति, वो फिल्मों से गायब हो गई। और लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज सिर्फ एक बोलने का जरिया नहीं है, लैंग्वेज एक थॉट है। जब पहले थॉट आता है और उसके बाद आप किसी जुबान को अपना जरिया बनाते हैं उस थॉट को एक्सप्रेस करने का। तो थॉट जो है, जो कंटेंट है फिल्मों से, उसका कंटेंट का जो स्तर है वो बहुत गिर गया, और हम उस मार्केट को प्लीज करने लगे जिसमें किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी किरदार का, वो उसका सोशल स्टेटा क्या है उस पर कोई डिटेलिंग नहीं होती थी, वो कौन सा, वो कायस्थ है कि वो ब्राह्मण है कि वो ठाकुर है या मुसलमान, मुसलमान का कैरेक्टर अगर डालना है तो फिर वो कोई इशू बेस्ड फिल्म होगी, मतलब माय नेम इज़ खान होगी। पहले तो एक बड़े अच्छा लगा था उस पिक्चर में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, कि जो फरहान का कैरेक्टर था वो मुस्लिम था, लेकिन उसको कोई ज़रूरत, उसके पीछे कोई ज़रूरत नहीं थी इसको मुसलमान माना, स्टीरियोटाइपिकल जैसे होते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हम किसी के दोस्त हैं वैसे वो भी था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं ख़त्म हो गई है, कहीं कहीं फिल्मों में चीटों में दिखाई देती हैं, लेकिन ये रूल नहीं बना, एक पहले था वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, गालिब का मिसरा इनफैक्ट आई थिंक इंस्पिरेशन था आपके लिए तमाशा फिल्म के लिए टाइटल रखने के लिए। इम्तियाज़, आई थिंक आप आज के टाइम पे, आज के दौर में जो फिल्म मेकर्स हैं, बहुत ही आई थिंक कम फिल्म मेकर्स, जितना मुझे समझ में आता है, आप हैं, तिग्मांशु हैं, विशाल भारद्वाज हैं, बहुत ही कम फिल्म मेकर्स हैं जो कि उर्दू को वाकई में उस तरीके से उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जो कि एक करना चाहिए। आप फैज़ का आई थिंक बहुत इन्फ्लुएंस आपके ज़िंदगी में रहा है, आपने पढ़ा है बहुत हद तक। आपको लगता है कि दैट कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजकल का ज़माना है कि दैट अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, अंग्रेज़ी में डायलॉग्स होते हैं, फिर तर्जुमा कर दो उसका उर्दू में या हिंदी में, आप एक डिफ़िकल्ट आपने पाथ चूज़ किया कहीं ना कहीं अपने लिए? जैसा तिशु ने कहा, तिग्मांशु ने कहा, कि पहले थॉट आती है, उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आप किस जबान में उसको व्यक्त करेंगे। मगर ये जो डिसीशन होता है ना कि हम किस जबान में इसको व्यक्त करेंगे, ये डिसीशन भी एक्चुअली आपके कब्ज़े में नहीं होता, आप मजबूर होते हैं। आपने बचपन से एक जबान पढ़ी होती है, सुनी होती है, लोगों को अपने आसपास उस जबान में बोलते हुए देखा होता है, तो आप, जैसा जावेद साहब सिद्दीकी साहब ने कहा, कि आप उसी जबान में लिखते हैं जिस जबान में वो कैरेक्टर बोलेगा, जबान कैरेक्टर की होती है। तो उसी तरह से मेरी ये मजबूरी थी कि पैदाइश के बाद ही घर में वो बेगम अख्तर चल रही होती थी, और जो बड़ी बोरिंग लगती थी एक ज़माने में कि ये क्या है, कि चीज़ को बार बार वो बोले जा रहे हैं। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उर्दू शायरी का एक रिवाज था, लोग उसको आम फहम इस्तेमाल करते थे, तो अब मेरी मजबूरी ये है कि जब मैं कुछ काम करता हूँ तो वही ज़बान वापस झलकती है। और तो कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि जैसे गालिब का इन्फ्लुएंस है या फैज़ का इन्फ्लुएंस है, तो वो झलकता है, तो तमाशा का नाम भी वहीं से आया। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं छुपाने की भी कोशिश करता हूँ, मगर झलक ही जाती है कि कहीं ना कहीं ये फैज़ की थॉट थी या नज़ीर अकबर आबादी की थॉट थी वगैरह। क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने उस ज़बान में भी पोइट्री पढ़ी है, कहानियाँ अफसाने पढ़े हैं, मगर जब उर्दू की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई खुद एकदम डायरेक्टली बात कर रहा है। जब फैज़ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बात उस सराहने की नहीं है, ये ऐसा लगता है कोई अभी बगल में खड़ा होकर कह रहा है और बिल्कुल मेरी बात है। तो जब बहुत सारी कीट्स की पोइट्री है जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बायरन की है या शेक्सपियर की है, मगर जब ये भाई साहब कहते हैं कि उठो अब माटी से उठो, जागो मेरे लाल, तो ऐसा लगता है कि मैं जाग ही गया। वो इन्फ्लुएंस अपनी ज़बान का होता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़बान उर्दू है, इससे मुझे बेइंतहा फ़ायदा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। जावेद साहब,
शुरू में देखा जाता था 50s 60s में देखा जाता था दैट अब मसला ले दो जावेद साहब हैं तो आप हाँ तो आप अख्तर साहब जावेद हम लोग का झगड़ा हो जाएगा आप लोग दोनों इसका जवाब इन फैक्ट दे सकते हैं मुझे लगता है दैट अख्तर साहब ओके जावेद अख्तर साहब ऑलराइट तलफ़ुस के कोचेज होते थे तलफ़ुस के लिए डिक्शन के लिए कोचेज होते थे 50s 60s में लता मंगेशकर हैं आशा भोसले जी हैं प्योर महाराष्ट्रियंस हैं लेकिन उनका जो उर्दू का तलफ़ुस था बहुत ही ज़्यादा साफ था आज के दौर में जब आप सुनते हैं ख्वाब को ख्वाब कहा जाता है ख़ता को खता कहा जाता है कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है आपको सुनने में इस चीज़ को बिकॉज ये बहुत एक कॉमन चीज़ हो चुकी है एक बात मैं माफ़ कीजिए ज़रा से आपके सवाल से पीछे जाके एक बात कहना चाहता हूँ ये कहना मुझे कुछ थोड़ा इस पर रिजर्वेशन है कि पहले थॉट आती है फिर ज़बान आती है थॉट बग़ैर ज़बान के आ ही नहीं सकती आपको फीलिंग बग़ैर ज़बान के आ सकती है अगर आपको कोई चिंगारी लगाए तो आप जलेंगे किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है वो आग आपको जलने की फीलिंग होगी आपको कोई मीठा चीज़ खिलाई जाए तो किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है आपको मिठास मुँह में महसूस होगी लेकिन थॉट जो है कैन ओनली कम इन वर्ड्स बगैर वर्ड्स के थॉट आ ही नहीं सकती तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड थॉट ये जो वर्ड्स आर नॉट थॉट्स बट वर्ड्स आर द ब्रिक्स दैट मेक थॉट तो दूसरे ये कि वो सही है कि होता क्या है कि आप कोई भी खाना जैपनीज फूड खाइए इटालियन फूड बड़ा है कॉन्टिनेंटल फूड लेकिन अल्टीमेटली आके जब वो आप दाल चावल रोटी खाते हैं तो जो आपको सुकून मिलता है वो आपको दूसरे खाने में मिल ही नहीं सकता है आप कितनी वेस्टर्न म्यूज़िक सुन लीजिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए लेकिन वो जब ढोलक बजेगी तो आपके जो DNA में घुसा हुआ वो बाहर निकले वो ढोलक आपके DNA में है ज़बान आपके DNA में है वो लगा घर आ गए वो बात है तो वो तो सही है ये ज़रूर है कि देखिए डायलॉग हम लिखते हैं जावेद साहब ने फरमाया कि भाई जो कैरेक्टर की ज़बान होती है अब क्या है 10 Commandments मैंने अंग्रेज़ी में देखी तो उसमें गॉड अमेरिकन ट्वैंग के साथ बोल रहा था तो ऐसा नहीं अब आप बनहर बनाते हैं तो उसमें रोमन जो है वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है तो अब देवदास जब मलयालम में बनी थी तो देवदास भी मलयाली में ही बात कर रहा था तो ऐसा तो नहीं है अब हमने हिंदी में देवदास बनाई तो देवदास दिलीप साहब हों के शाहरुख हिंदी में डायलॉग बोल रहे थे वहाँ बंगाल के गांव में तो फिल्म की भी एक ज़बान होती है इसमें कोई शक नहीं लेकिन उसमें थोड़ा सा लीवे होता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स को आप अलग ज़बान देते हैं लेकिन वो सिर्फ डायलॉग में नहीं है वो गाने में भी और अगर नहीं है तो वो ख़राब सॉन्ग राइटर है जब साहिल ने चित्रलेखा के गाने लिखे तो उर्दू का शायर और लिखता है मन रे तू काहे न धीर धरे वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीर ये साहिल ने लिखा आपको एक कमाल की बात और उर्दू वालों की बताऊँ उर्दू के जितने अच्छे राइटर हैं चाहे प्रोज क्यों चाहे पोइट्री क्यों वो बेहद अच्छी हिंदी लिखते हैं और उन्हें अच्छी हिंदी लिखनी ही चाहिए इसलिए कि हिंदी उर्दू तो इतने पास हैं कि उनका पूरा सिंटैक्स उनका ग्रामर तो एक ही है 90% वोकेबलरी एक है उर्दू की ट्रेनिंग फोनेटिक्स की बहुत स्ट्रांग होती है आप ऐसा वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो कान को ख़राब लगे फिर जब वो हिंदी लिखता है तो हिंदी भी उतनी ही एस्थेटिक लिखता है तो उर्दू शायर जैसी हिंदी लिखता है अच्छे अच्छे हिंदी कभी नहीं लिख पाएंगे इसमें कोई शक नहीं जावेद सिद्दीकी साहब आप ऐड करना चाहेंगे कुछ तलफ़ुस के बारे में मेरा ख्याल ये है कि ज़बान उर्दू ज़बान ख़ास तौर से बदल रही है और वो इसलिए बदल रही है कि हमारा समाज बदल रहा है हमारा वक्त बदल गया है और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे नए अल्फाज और शामिल हो रहे हैं हिंदी के अल्फाज तो पहले ही से थे हिंदी के बग़ैर तो हम 4 कदम चल नहीं सकते लेकिन जो नए अल्फाज शामिल हो रहे हैं जो नए वोकेबलरी आ रही है उसको भी उर्दू इतनी ब्रॉड माइंडेड है उसका दामन इतना वसी है
कि वो उसको अपने अंदर इस तरह समेट रही है कि जैसे वो उर्दू का ही एक हिस्सा हो। अभी कंप्यूटर की ज़बान जो है वो भी आ गई है, आज कॉलेज में जो बच्चे जिस किस्म की ज़बान बोलते हैं जिसमें आधी अंग्रेज़ी होती है वो भी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म लिखी थी तो मुझे अपने ग्रैंडसन को साथ बिठाना पड़ा था जो कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर में है, कि भाई तुम किस किस्म की बातें करते हो, किस किस्म की तुम्हारी वोकैबलरी है, क्योंकि वोकैबलरी बदल रही है, ज़बान बदल रही है। ये चीज़ उर्दू अपना रही है और इसीलिए वो मुझे प्रॉब्लम जो होती है वो इससे नहीं होती है कि वो किस रस्मुल ख़त में लिखी जा रही है। आज उर्दू अपने रस्मुल ख़त में यानी फ़ारसी के रस्मुल ख़त में, पर्शियन रस्म की लिपि में नहीं लिखी जाती है, बहुत कम लिखी जाती है। मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि या तो आप इसे रोमन में भेजिए या देवनागरी में भेजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप उसे देवनागरी में पढ़िए या रोमन में पढ़िए, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जहाँ वो सही नहीं पढ़ी जाती। अगर हम इस बात का एहतमाम करें, वो लोग ख़ास तौर से जिन्हें उर्दू से दिलचस्पी है, उर्दू से हमदर्दी है और जो उर्दू जानना चाहते हैं और सही बोलना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उर्दू को उर्दू के तरीक़े से पढ़ें। उर्दू का जो लफ्ज़ है जैसा जावेद साहब ने कहा वैसा, उसको उसी तरीके से वो खुदा और खुदा ना करें। अभी कल गुलजार साहब बोल रहे थे और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार मिसाल दी कि अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये समझ में नहीं आएगा कि दादाजी दवा खाने जा रहे हैं या दादाजी दवा खाने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दवा खाने जा रहे हैं या दवा खाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमको बहुत अपने लिए ज़रूरी मान लेनी चाहिए कि भले वो किसी भी लिपि में लिखी जाए लेकिन वो सही लिखी जाए, और जब वो सही लिखी जाएगी तो सही बोली भी जाएगी, और जब सही बोली जाएगी तो सही समझी भी जाएगी। और इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन उर्दू के लिए और क्या हो सकता है कि लोग उसे सही समझें और सही बोलें। सर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, वो बिंदी लगाना ठीक है लेकिन बिंदी का कुछ कभी कभी बड़ा ख़तरनाक इस्तेमाल भी होता है। मुझे बहुत से लोग मिले हैं, बहुत प्यार से मिले, जावेद साहब आपसे मिलकर जो खुश, तो यहाँ अगर वो बिंदी हटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जावेद साहब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी, तो ये बिंदी जा से निकाल के अगर उधर वाले जा में लगा दें तो उनका भी भला मेरा भी भला हो जाएगा। तो ये भी है कि गलत, ये तो अक्सर होता है सर बेचारा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये हमें ये समझना चाहिए कि ये जुल्म सिर्फ उर्दू के साथ नहीं हो रहा, ये हर जबान के साथ होता। अब आप देखिए उर्दू वाला जो भी है जो उर्दू में पढ़ा लिखा है वो प्रकाश कह ही नहीं सकता, वो प्रदीप कह ही नहीं सकता, वो स्मिता कह ही नहीं सकता, वो समीता बोलेगा, प्रकाश बोलेगा, प्रदीप बोलेगा। और आपको एक बात बताऊं, पंजाबी भी प्रदीप कहते हैं और धर्मेंद्र कहते हैं, धर्मेंद्र नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि इनके भी बुज़ुर्गों ने बरसों तक उर्दू ही पढ़ी है और उर्दू ही का प्रोनंसिएशन आज तक एवरेज पंजाबी के पास है। वो जो धर्मेंद्र को आप धर्मेंद्र कहते हैं ये उर्दू का कर्म है आप पे, ये उर्दू की वजह से गलती कर रहे हैं आप। प्रकाश, प्रदीप, ये पंजाबियों में भी आया है उर्दू के थ्रू। तो अब अंग्रेज़ी के अल्फाज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कॉलेज और नॉलेज, ये क्या है? तो अब मतलब जहाँ हम ये सोचते हैं कि हमारे अल्फाज दूसरे लोग मिसप्रनाउंस ना करें, तो अगर थोड़ा हम भी दूसरी ज़बानों पर रहम करें तो अच्छा है, वो भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए खातिल में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कर चले फिदा हम जानो तन साथियों। उर्दू का जो एक इस्तेमाल जो किया गया है, इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा उसका अहम रोल रहा है। लेकिन जब आज के टाइम पे जब ये इनफैक्ट कहा जाता है कि ज़ुबान हिंद है तो माथे की शिकन क्यों है, ज़ुबान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, कहीं ना कहीं जो ज़बान को एक मज़हब का जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। तिग्मांशु मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी बात करी है और जितनी ज़्यादा आपको उर्दू से बहुत ही नेचुरली मोहब्बत है और आप इनफैक्ट बेसाख्ता तौर पे उर्दू आपकी फ़्लो करती है जिस तरीके से आपकी फ़िल्मों में भी देखने को आता है, आपको लगता है कि ये एक चीज़ इस तरीके की चीज़ करना गलत है कहीं ना कहीं? बड़ा ख़तरनाक सवाल किया आपने।
वो भी दिल्ली में बैठ के. मुंबई में आप मेरे ऑफिस में होते तो मैं खुल के बोलता. हाँ, ये इसका थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि क्या हुआ. कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस वक्त बड़ी दिक्कतें आईं, चीज़ों की कमी हुई, कई छोटे कस्बों से गांव से लोगों का इमिग्रेशन हुआ, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े शहरों में गए, मुंबई भी आए, जिसकी वजह से बहुत सारे शायर राइटर्स उस दौर में आए. उसके बाद क्या हुआ कि 40s से एक किस्म का एक कॉम्यूनल टेंशन देश में था. 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, हमारे कांग्रेस के जितने भी ज़्यादातर बड़े बड़े लीडर्स थे सब जेल चले गए, सिर्फ लीगी और हिंदू महासभा वाले बाहर थे. उस वक्त एक फिल्म आई सिकंदर, बड़ी चली वो, और उसकी देखा देखी में कई ऐसी फिल्में आईं जैसे शकुंतला आई, पृथ्वी वल्लभ आई, के मुंशी साहब जो कांग्रेस में ही थे और मुंबई के होम मिनिस्टर थे उनकी नावल पर लिखी गई पिक्चर थी, और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब बड़ी फिल्में आईं उस दौरान 45-46 के दौरान. एक भी फिल्म नहीं चली, सब फिल्में फ्लॉप हुई, उसमें जुबान गायब थी. क्योंकि और अभी जो ऐसा दौर आ रहा है जिसमें अब आप देखिए, हिंदी की बात कर रहे हैं आजकल, आप क्रिकेट की कमेंट्री देखिए, बेचारे वीवीएस लक्ष्मण को भी हिंदी बोलनी पड़ रही है, और उर्दू एकदम हिंदी के शब्द बोलना जरूरी है. किसी ने कुछ कहीं से नोटिस वोटिस आया ऐसा लगता मुझे, सुनील गावस्कर को बोलनी पड़ रही है. आप देखिए क्रिकेट कॉमेंट्री, तो फिल्मों में क्या उन जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा तादाद में मात्रा में लोग चीज़ों को सुन रहे हैं वहाँ हिंदी बोली जा रही है, और ये गलत बात है. मैं आप इजाज़त दे तो इस बारे में कुछ बोलूँ. जी देखिए, क्या है कि लैंग्वेज रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की हो ही नहीं सकती. भाई पंजाब की ज़बान पंजाबी है, बंगाल की ज़बान बंगाली है, गुजरात की ज़बान गुजराती है, तमिलनाडु की ज़बान तमिल है, फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है, इंग्लैंड की ज़बान इंग्लिश है, वगैरह वगैरह. ये एक झूठ बोला गया कि लैंग्वेज जो है वो एक रिलीजन की होगी. ये किस रिलीजन की है? इसलिए कि जो टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से इस मुल्क के टुकड़े हुए वही झूठ थी, और ये उसका एक हिस्सा है. इन्होंने जो राइट विंग मुस्लिम था और जो राइट विंग हिंदू था, इन्होंने हिस्ट्री के दो वर्जन बनाए. एक ने बताया कि जितने मुसलमान हैं वो सब, वो जो जो राइट विंग मुसलमान थे खुश थे, हम सब महमूद गजनवी के घोड़े पे बैठ के आए थे, और जो राइट विंग हिंदू है वो कहता है ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे. दोनों झूठ बोल रहे हैं. खैर, वो एक लंबी कहानी है. तो ये एक हिस्ट्री बदल दी गई सब कुछ. अब ज़बान को क्या करे, ज़बान को कैसे बदले, कि जो लिविंग प्रूफ था कॉम्पोजिट कल्चर का, जो लिविंग प्रूफ था कि टू नेशन थ्योरी झूठ है. अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि एक काम करो, वर्ब पाकिस्तानियों को दे दो, नाउन हम रख लेते हैं, या नाउन उन्हें दे दो, वर्ब हम रख लेते हैं. तो इसे एक तरफ ढकेलना ही था, और इन्हें जो फनेटिक मुसलमान था उसको भी प्रूफ करना था कि हम, हमारी आइडेंटिटी अलग है. ये उर्दू कौन सी ज़बान है? 1798 में पहली दफ़ा इसी शहर दिल्ली में एक स्कॉलर थे शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया. एज लेट एज 1798, मतलब एक 225 साल पहले, विच इज़ नथिंग. कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में उससे 700 साल पहले हो चुका था. जब उन्होंने कुरान का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किया, तो जितने उस ज़माने के इमाम थे सब ने कुफ्र का फतवा दे दिया उसे, कि ये आदमी बेशरम, ऐसी मुकद्दस ऐसी पवित्र किताब का इस गंदी ज़बान में तर्जुमा किया उसने. ये उर्दू 1798 से एक 50 साल बाद इसके सर पे टोपी रख दी गई और दाढ़ी चिपका दी गई इसके. ये वो ज़बान है, आपको मैं इसके बारे में बताऊँ, एंड आई एम सेइंग इट विद ग्रेट प्राइड, कि दुनिया में जितनी ज़बानें हैं उनकी पोइट्री हमेशा रिलीजियस पोइट्री से शुरू होती है. वो चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे इंग्लिश, वो हिम्स होंगे, डेटीज़ की तारीफ में होगा, भजन होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पोइट्री में दूसरे टॉपिक्स आते हैं. उर्दू इज़ वन पोइट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड आई एम सेइंग विद टोटल कॉन्फिडेंस, जिसकी पहले दिन से शारी एंटी रिलीजियोसिटी थी, एंटी फंडामेंटलिज्म थी. आप ये देखिए,
कितना बड़ा झूठ साबित हुआ कि 10 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश में थे, उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बंगला पढ़ेंगे, मेरी मादरी जबान उर्दू है, बट आई एम विद देम। उनको पूरा राइट है अपनी मदर लैंग्वेज टंग पढ़ने का, और उन्हें कोई नहीं मजबूर कर सकता कि उर्दू एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन मदर टंग पढ़ें। जब 10 करोड़ ने कह दिया 7 करोड़ से कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी, हमें बंगाली पढ़नी, उसके बाद किस मुँह से कोई कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? क्या बात, क्या बात। मुझे यहाँ ज़्यादातर लोग जो बैठे हैं उनमें से अक्सर पंजाबी होंगे, ज़्यादातर लोग हैं, मुझे आप लोग से एक शिकायत है, उर्दू आपकी ज़बान थी, जितना अच्छा लिटरेचर पिछले 100 साल में प्रोड्यूस हुआ है उर्दू में, उसका मेजर हिस्सा पंजाब से आया है। पंजाब ने बड़े राइटर पैदा किए हैं, आपने मान कैसे लिया कि ज़बान आपकी नहीं है? वो तो कश्मीर पर भी दावा करते हैं और उर्दू पे भी दावा करते हैं, दोनों दावे गलत हैं। तो मैं यहाँ पर जो नौजवान पंजाबी लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों की जबान है, तुमने कृष्ण चंद्र पैदा किया है, तुमने फैज पैदा किया है, तुमने इकबाल पैदा किया है, तुमने रान सिंह बेदी पैदा किया है, ये तुम्हारी जबान है, तुम इसे छोड़ कैसे रहे हो? And you must learn this language and keep it alive. क्या बात है, क्या बात है। आज इनफैक्ट वैलेंटाइंस डे है और कुछ इनफैक्ट शेर आ रहे हैं कि दैट कुछ गीत साथ आ रहे हैं जहन में कि दैट चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, छू लेने दो नाजुक होठों को, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। शायरी को जिस तरीके, उर्दू शायरी को जिस तरीके से यूज़ किया गया है रोमांस में, आई थिंक इम्तियाज़ अली से बेहतर कोई हो नहीं सकता है सवाल के लिए, बिकॉज ही मेक्स अमेजिंग लव स्टोरीज। आपको लगता है कि दैट उर्दू का कॉन्ट्रीब्यूशन रोमांस में, उर्दू हिंदी फिल्म में बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट गहरा रहा है और हमेशा रहेगा? ये इल्ज़ाम आप मुझे पे क्यों लगा रहे हैं? जबकि जावेद साहब यहाँ बैठे हैं, टिशू बैठे हैं, दोनों जावेद साहब बैठे हैं, ये इल्ज़ाम सिर्फ मेरे सर क्यों है? इनफैक्ट सिर्फ ये जाहिर सी बातें बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट कमाल काम किया जावेद साहब ने और जावेद सिद्दीकी साहब से भी। जावेद सिद्दीकी साहब के लिए मेरे पास एक और सवाल है आज़ल लेडर, लेकिन आपने लव स्टोरीज आपने बहुत ही बाकमाल बनाई है, और कुछ अगर आप उसके बारे में बात, विल हैव जावेद साहब वर्जन एज वेल आफ्टर दैट। सो आर यू आस्किंग अबाउट पोइट्री? रोमांस इन उर्दू, जिस तरीके से आप जाहिर कर सकते हैं रोमांस को उर्दू के, जैसा जावेद सिद्दीकी साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके बगैर किसी भी टेंडर मुलायम चीज़, यानी कि सेंसिटिव फीलिंग को पेश करना बड़ा मुश्किल है, जैसे प्यार, मोहब्बत, एहसास, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हैं। और मैंने ये नोटिस किया है, जैसे इरशाद कामिल के साथ अक्सर मैं काम करता हूँ जो लिरिक्स राइटर हैं, कि ख़ास करके जब किसी सॉफ्ट चीज़, किसी सॉफ्ट फीलिंग की बात होती है, उस जगह हम होते हैं जहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत सटल चीज़ें महसूस कर रहे हों, वहाँ पे नेचुरली उर्दू के लफ्ज़ आते हैं जहन में। अब तो इस वजह से मेरे ख़्याल से उर्दू एक हथियार बन जाता है या एक दोस्त बन जाता है जो बहुत आसानी से उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। इस वजह से उर्दू से, और जैसा कि मैंने कहा था कुछ देर पहले कि मेरी उर्दू से वाकफियत है, ये मेरी खुशकिस्मती है और ये मेरे काम में झलकता है। और उर्दू के साथ साथ, क्योंकि उर्दू शायरी से भी थोड़ा बहुत वाकफियत है, तो वो भी कहीं ना कहीं झलक जाती है, तो इससे मेरे ख्याल से मेरा फ़ायदा ज़रूर होता है और लोगों को लगता है कि शायद मैं रोमांस को बहुत समझता हूँ या बहुत फील करता हूँ। एक्चुअली वो एक आसानी है जो उर्दू की वजह से मुझे मिली हुई है। आप रोमांटिक हीरो दिखते भी हैं एक्चुअली रियल लाइफ में भी। जावेद साहब, आप प्लीज़ कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, बिकॉज रोमानियत को अगर देखा जाए उर्दू की नज़र से? भैया ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, मैं तो उर्दू जानता हूँ, रोमांस तो मुश्किल ही रहता है हमेशा। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन वाकई हाँ, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, जैसे मैंने आपसे कहा कि अर्बन लैंग्वेज है, इसको बहुत, इस पर काम हुआ है, इसके फोनेटिक्स पे, इसकी तहजीब पे कि कैसे बात कही जाए। तो वो जो ये बारीकी जो पैदा की गई है ज़बान में, एक वक्त तो ये आया था कि इट हैड, मतलब द लैंग्वेज हैड बिकम द एंड
ऑफ इट कि भाई लैंग्वेज अपने ही अंदर एक पर्पज हो गई थी, जो कि ख़राब बात है भाई, कम्युनिकेशन और थॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर उससे हुआ ये कि इतनी मंच गई है ये कि उसके पास वो लोच और वो सटलिटी है कि आप कोई भी बात अच्छी तरह से कह सकते हैं और तहजीब से कह सकते हैं, ये इसमें गुण है। मगर बाकी है कि रोमांस तो हर लैंग्वेज में होता है भाई, और कहीं भी आसान नहीं है किसी भी ज़बान में। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी शायरी जो रोमांटिक पोइट्री है वो बहुत पॉपुलर है, और किसी साहब ने रोमांटिक पोइट्री ही क्यों, एक एनालिसिस किया था कि सर्वे किया था कि जब से पार्लियामेंट बनी है हमारी और जब जब उसमें काम चलता है तो उसमें जो शेर पढ़े गए हैं, जो पोइट्री सुनाई गई है, वो मोर देन 90% उर्दू पोइट्री। पार्लियामेंट जहाँ हिंदुस्तान के हर इलाके से लोग आते हैं, लेकिन जब वो पोइट्री कोट करते हैं तो 90% से ज़्यादा पोइट्री उर्दू से आई है। इट्स एक्सट्रीमली कोटेबल। ये खूबियाँ हैं इसमें, लेकिन बात क्या है कि अफसोस की बात यह है कि लैंग्वेज जो है वो अपनी एस्थेटिक से ज़िंदा नहीं रहती है, वो अपनी इकोनॉमिक यूटिलिटी से ज़िंदा रहती है। अगर इकोनॉमिक यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी लैंग्वेज की तो फिर लैंग्वेज नहीं बच पाएगी। ये तो मैं दाद देता हूँ उर्दू को कि जिसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी आज कुछ नहीं रही है, वो इतनी टफ लैंग्वेज है, इतनी सख्त जान लैंग्वेज है कि मर के नहीं देती, नहीं मरती हुई। वो टीवी में चली जाती है, वो सिनेमा में चली जाती है, वो यंगस्टर्स के नोटबुक्स में चली जाती है, वो ज़िंदा रहती है, वो लोगों की बातचीत में रहती है। बावजूद इसके ये कमाल है, इट्स ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स अबाउट उर्दू कि इसके पढ़ने वाले दिन ब दिन कम हो रहे हैं और इसके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्या बात, क्या बात, ये किसी और लैंग्वेज के बारे में नहीं कहा जा सकता। जावेद सिद्दीकी साहब, अगर देखा जाए आज़ादी के बाद और इवन से पहले भी बहुत से उर्दू के राइटर्स हैं, चाहे मंटो हों, इस्मत चुगताई हैं, कैफी आज़मी साहब हैं, मजरूह सुल्तानपुरी साहब हैं, जिस तरीके का प्रोग्रेसिव इनका एक पूरा स्टांस था और बहुत ही रेडिकल बातें उस ज़माने के हिसाब से भी उन्होंने बात करी, चाहे वो सेक्स के बारे में हो, चाहे मुल्क से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं जो उर्दू को एक कुछ हद तक कैटेगराइज किया जाता है कि दैट अबाउट रिलीजन, जैसे अभी जावेद साहब ने भी आई थिंक बहुत ही वैलिड बात कही दैट इट्स एंटी रिलीजियोसिटी, क्या आपको लगता है कि उसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा हिंदी फिल्मों में, चाहे वो 50s की हों, 60s की हों, और क्या वो इम्पैक्ट अभी कुछ हद तक कम हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जैसा इन एडिशन टू व्हाट जावेद अख्तर साहब सेड कि उर्दू की मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह एक और भी है कि उर्दू में जो मौसीकी है, जो म्यूज़िक है, वो दूसरी ज़ुबानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। और जब हम इस ये म्यूज़िक जब हमारे अंदर उतरती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी रूह को एक बड़ी आसूदगी मिलती है। एक ज़माना था जब हम नए नए हमने उर्दू से दिलचस्पी दिखानी शुरू की थी तो ऐसा लगता था कि उर्दू वाकई ख़त्म हो चुकी है, और ज़्यादातर ये कहा जाता था कि हम उर्दू बोलने वालों की आखिरी नस्ल हैं। लेकिन मेरी आँखों के सामने एक इनकलाब आया, और वो कि मैंने ये देखा कि मैं उर्दू बोलने वालों की आखिरी नस्ल बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मेरे सामने वो एक पूरी दो नस्लें मौजूद हैं जो उर्दू बोल रही, और ये मैं समझता हूँ कि ये इनकलाब पिछले 20-25 साल में आया है, जिसे आप कह सकते हैं कि उर्दू ने पलट के मुंह मारा है। तो जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, जिन लोगों का आपने ज़िक्र किया उनका कंट्रीब्यूशन फिल्मों में बहुत ज़्यादा रहा है, उन्होंने अपने नज़रियात भी पेश किए हैं, और वो ज़्यादातर उर्दू के लिखने वाले थे। लेकिन देखिए, उर्दू और फिल्म का एक ताल्लुक इसलिए भी है कि वो जो फिल्म है वो उर्दू नाटक के पेट से पैदा हुई है। जब पारसी थिएटर हुआ करता था, वो सारे के सारे नाटक, जो सारे के सारे ड्रामे हुआ करते थे, वो उर्दू में हुआ करते थे, और वहाँ से पारसी थिएटर की परंपरा लेके आप उर्दू की फिल्में बनना शुरू हुई। आप शुरू की फिल्में देखिए, उनका पूरा तेवर, पूरा अंदाज जो है वो
थिएट्रिकल है और उसमें उसी किस्म की उर्दू बोली जाती थी। उसके बाद उर्दू जैसे जैसे फिल्म की रिक्वायरमेंट्स बदली, जिस तरीके से एक दौर आते हैं फिल्मों में, एक ज़माना था कि सोशल फिल्में बना करती थी, एक ज़माना था कि एक्शन फिल्में बहुत बना करती थी, एक ज़माना था कि रोमांटिक फिल्में बहुत बना करती थी, सस्पेंस फिल्में बहुत बना करती थी। तो जब कभी भी ऐसा दौर आया है कि जिसमें रोमांस, सोशल और इन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ उर्दू का जलवा आप देखेंगे। और उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन लोगों का है जिन्होंने फिल्में लिखी हैं, अभी कल अख्तरुल रहमान साहब का जिक्र हो रहा था, यहीं उनके ऊपर एक डिस्कशन था। अख्तरुल रहमान ने 100 के करीब फिल्में लिखी, वो उर्दू के शायर थे और वो बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने वक्त जैसी फिल्म लिखी, कानून जैसी फिल्म लिखी, इत्तेफाक जैसी फिल्म लिखी, धर्मपुत्र लिखी। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा यहाँ फिल्मों में उर्दू को पॉपुलर करने में, वो इतना बड़ा है। और उसके बाद जो लोग आए, राही साहब आए, हालांकि राही साहब हिंदी में ज़्यादा जाने और माने जाते हैं क्योंकि हिंदी में उनको अवार्ड दिया गया, उर्दू के राइटर की हैसियत से उनको अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन साहिर साहब उर्दू के थे। ख़ुद इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं, गुलजार साहब मौजूद हैं। ये सब जो हैं ये बेसिकली वो लोग हैं जो उर्दू में सोचते हैं और उर्दू ही में ख्वाब देखते हैं, और आपकी ज़बान वही है जिसमें आप ख्वाब देखते हैं। क्या इनफैक्ट बहुत 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 शुक्रिया तिग्मांशु, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा दैट चाहे हासिल हो, चाहे साहिब बीबी और गैंगस्टर हो, पान सिंह तोमर भी एज वेल, आपने ये सवाल आपने बार बार आपने उठाए हैं सोशल इनइक्वालिटीज़ के, आपने बार बार आपने सवाल उठाए और बहुत हद तक आपका जो मिलियो रहा है वो कुछ हद तक उर्दू का उसके अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। आपको लगता है कि दैट कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ख़जाना है कहीं ना कहीं उर्दू की कहानियों में और नॉवेल्स में, जो कि मे बी एक्सप्लोर करना चाहिए कहीं ना कहीं आज भी और लोगों को? नहीं, शायद आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। मेरा ऐसा उर्दू के साथ मेरा उस तरह का ताल्लुकात मेरे हैं नहीं, ना ही मेरी फिल्मों में मैं उर्दू को एक वो लेके चलता हूँ, उर्दू का की मशाल लेके मैं नहीं चल रहा हूँ। हमारे जैसे हमारी जमात के जो डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज़ होगा, अनुराग होगा, विशाल हो गया, मैं हो गया, श्री राम राघवन हो गया, ये सब हम लोगों की फिल्मों में मुझे ऐसा लगता है कि एक जो अर्ली 90s के बाद जब शुरू हुआ तो थोड़ा सा रीजनलिज्म का प्रभाव ज़्यादा है। हम लोग जिस जिस शहरों से आए, हम लोग में से कोई बॉम्बे का नहीं है, सारे डायरेक्टर्स बाहर से आए हैं। मैं इलाहाबाद में मेरी पैदाइश पढ़ाई लिखाई हुई है, तो मैंने अपनी पहली फिल्म हासिल बनाई जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी। तो चीज़ें ज़्यादा देशज होने लगी, ज़्यादा रीजनल होने लगी। पान सिंह तोमर, बुंदेली, एक गाना भी नहीं उसमें, कुछ नहीं। मैंने कहा ये लैंग्वेज समझ में आएगी लोगों को? बिल्कुल समझ में आई। सो साहेब बीवी और गैंगस्टर एक ऐसी फिल्म थी जो कि एक डेकेडेंट रॉयल्टी के बारे में थी, तो रॉयल्टी थी तो थोड़ी उसमें लैंग्वेज की तमीज़ और तहजीब होनी चाहिए थी, तो इसलिए वो भी थी थोड़ी बहुत। लेकिन मैंने कभी ऐसे कोशिश की, ना ही हम में से कोई ऐसा ज़्यादा करता है, क्योंकि आई थिंक हम लोग भी इसी समाज की देन है। मेरे घर में तो ऐसे कोई उर्दू का कुछ मसला था नहीं, हम लोग तो उत्तराखंड के हैं, इलाहाबाद में इसलिए क्योंकि पिताजी को वकालत करनी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी में इलाहाबाद में था, मेरी मदर संस्कृत की प्रोफेसर है, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन इलाहाबाद में रह करके और वो फिल्में देख करके मुगले आजम का रिकॉर्ड डायलॉग का बसा, तो उससे थोड़ा प्यार हो गया इस लैंग्वेज के साथ। और फिर आपकी जो फिल्में देखी जावेद और सलीम जावेद की लिखी हुई, इनके भी डायलॉगों में आप देखिएगा, एक आप एक भोपाल के हैं, एक इंदौर के हैं, सलीम साहब इंदौर के हैं, आप भोपाल और लखनऊ से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इनकी इनके डायलॉगों में कभी आप उर्दू का उस तरह का एक प्रेशर या उस तरह की बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे नहीं होते। इनके इतने सहज, इतने ऑर्गेनिक और इतने सहज राइटिंग थी डायलॉगों की, तभी वो इतने पॉपुलर हुए। बिल्कुल। आई थिंक कुछ ऑडियंस से सवाल। एक बात मैं जाहिर करना चाहूँगा तिशु की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कि हम लोगों का ये कोई मिशन नहीं है अपनी फिल्मों में हम उर्दू को आगे बढ़ाएं, हम उर्दू की मशाल लेके नहीं चल रहे हैं। हम जिस ज़माने में पैदा हुए हैं, जो हमने अपने आसपास में ज़बान देखी है, ज़रूर उसी ज़बान को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मगर मेरे ख्याल से उर्दू या कोई भी ज़बान, उसको एक
दरिया जैसा होना चाहिए, वो रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती जाती है। पिछले नस्ल के लोग कहते हैं कि उसमें मिलावट आ गई है, मगर इसी तरह से लैंग्वेज प्रोग्रेस करती है, वरना वही हो जाता है कि आपात की स्थिति में पीला नकाब, आपातकालीन द्वार क्रमांक, तो जब प्लेन में बैठे हुए यात्री को तो पता ही नहीं चलेगा आपात आ चुका है, बिकॉज उसको आपात का तो मतलब ही नहीं पता है, उसको बोलना चाहिए ना डेंजर है। सो वो एक जबान डेकेडेंट हो जाती है जब आप उसमें यू ट्राई टू मतलब मार्क योर टेरिटरीज, इट कैन नॉट बी मार्क बाय एनी टेरिटरी, वो चाहे रिलीजन का हो या रीजनलिज्म का हो, जबान आगे बढ़ती है और हमें टॉलरेट करना पड़ेगा उन सारे लफ्ज़ों को जो वो जबान आपस में समेटते हुए आगे जाएगी। और एक चीज़ में भाई, एक किसे दो, दो से तीन, कि आप अगर वो फिल्में देखिए जो कि ज़्यादा रियल उर्दू वाली फिल्में थी, जिसमें उर्दू कल्चर और लैंग्वेज का थे, जिसमें आप दोनों की बहुत जिनकी भूमिका रही है, आप जैसे गर्म हवा लीजिए या दस्तक लीजिए, आपकी जो प्रेमचंद अपने शतरंज के खिलाड़ी लीजिए, उमराव जान लीजिए, बाद में मम्मो भी इस तरह की, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट, क्योंकि मुस्लिम सोशल जो थी, जो मेरे महबूब और महबूब की मेहंदी, उन सब में देखिए वो एक फेक, एक बहुत ही फेक किस्म का माहौल एक इलीटिस्ट मुस्लिम परिवारों का होता था, वो गलत था। इन फिल्मों में आप आएंगे तो जबान, एक्टिंग, डिटेलिंग जो कि एक मुस्लिम घरों की होती है, उठने बैठने की तमीज़, आप इन फिल्मों में ज़्यादा देखने को आएंगे, बिकॉज ज़्यादा रियल थी। ये जो फिल्में हैं मेरे महबूब और इस तरह की फिल्में, चौदहवीं का चांद, ये वो, एक्चुअली ये मुस्लिम सोशल कहलाती थी। ये क्यों, मतलब सोशल क्यों कहलाती थी मुझे पता नहीं, इनका नाम होना चाहिए था मुस्लिम वेस्टर्न, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जैसे कि जो वेस्टर्न मूवीज़ होती हैं, जो काउबॉयज की होती हैं, काउबॉय ज़रूर होते थे, वो गवाले जो गाय भैंस पालते थे, लेकिन ये गन स्लिंगर और वन स्ट्रीट टाउन, जिसमें एक बार है जिसमें गन स्लिंगर खड़ा है और गोली ऐसे ने, ऐसा कभी नहीं था। सब ये बिल्कुल एक हॉलीवुड की बनाई हुई चीज़ है। उसी तरह से ये, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैंने आज तक कोई मुसलमान लड़का लड़की नहीं देखी जो अपने बाप को अब्बा हुजूर कहता हो, मैंने तो नहीं देखा। ये बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, और ये एक मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके आया ईद का, और नाच रही है लड़की, इसका बाप इसकी टांगें तोड़ देता। तो ये सब ये बनाई हुई है। अच्छा है क्या, कमाल की बात ये है कि इसमें सबको आराम हो गया। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था, वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ। और बाकी लोग जो हैं जो मुसलमान नहीं है, वो भी कहते देखो मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? असल में तो ये है, तो अब ये तय हो चुका है फिल्मों में कि अगर आप मुसलमान हैं तो या तो आप शायर होंगे या नवाब होंगे, आपके घर में वो लगे होंगे चैंडलियर, और चिक के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी होगी। सारी मुसलमान लड़कियाँ साधना की शक्ल की होती हैं। अच्छा, तो ये जो मिथ है ये इसका क्रिएट किया हुआ है। अब शुक्र है अब कुछ मुसलमान टेररिस्ट भी दिखाए जाते हैं, तो अब ये कम से कम नवाबी तो गई। तो ये हाल है, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गर्म हवा के जो डायलॉग, गर्म हवा जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मैंने इसकी हर लाइन कहीं सुनी हुई है, ये इतनी सच्ची थी। ये हैं आम लोग हैं, और ये सब कौन, नवाबों की औलादे और बादशाहों की औलादे तो है नहीं। हिंदुस्तान में कोई मेरे ख्याल से 14-15% मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान के 50% से ऊपर आर्टिसन जो हैं वो मुसलमान हैं। तो भैया नमाज़ पढ़ने से शीशा का काम तो आ नहीं जाता है, रोज़ा रखने से कपड़ा बुनना नहीं आ जाता है, तो ये कौन लोग हैं, इतने आर्टिसन क्यों हैं मुसलमान? उसकी वजह यह है कि आर्टिसन एन ब्लॉक मुसलमान हो गए थे, तो ये उल्टा हो रहा है। और अब क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस के थे, सो कॉल्ड बैकवर्ड और सो कॉल्ड छोटी जातों के थे, तो उन्होंने सबने अपना अपना शजरा लिख लिया, अपना उन्होंने फैमिली ट्री बना लिया कि सब के सब जो है फरगाना से और समरकंद से आए। अब कमाल ये है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है
कि ये बाहर से आए हैं, ये इन्वेडर की औलाद है। ये झूठ बोलते हैं, हाँ जी हम तो इन्वेडर की औलाद है, इसलिए कि उनको अपनी जात छुपानी है। तो ये सब बड़े कन्फ्यूज टॉपिक हैं। और जो फिल्मों में, ख़ासतौर से कमर्शियल फिल्मों में जो इमेजेस बनाई गई हैं वो रियल नहीं हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सर एक्चुअली जम्मू रेख्ता ने ये प्रोग्राम रखा है उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए, तो सर आपको नहीं लगता कि उर्दू ज़बान कहीं ना कहीं तरक्की के बजाय पस्ती की तरफ जा रही है? एक कारण आपने ख़ुद बताया कि जैसे आज फिल्मी सॉन्ग्स जो भी हैं उनमें बहुत कम सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनमें प्योर उर्दू अल्फाज जो है, मतलब मुकम्मल उर्दू के अल्फाज जो है मिलते हैं, और एक कारण ये है। दूसरा कारण मैं पिछले, दूसरा कारण है ये मुशायरे जो अदबी मुशायरे होते हैं। सर ये अदबी मुशायरे में जो शायरों का इंतखाब होता है, इंतखाब तो माशाल्लाह पता नहीं अब ताल्लुकात के बेसिस पे होता है जहाँ अदबी अदब और फ़न के लिहाज से होता है। सर मेरा ये कहना है कि जो मुशायरे में, मैं पिछले 5 साल से मुशायरे सुन रहा हूँ अक्सर। सवाल क्या है? जल्दी जल्दी। सर सवाल ये है कि मुशायरे में जो शायर लोग पढ़ते हैं अक्सर अपना मशहूर कलाम ही पढ़ते हैं, तो उसमें उर्दू ज़बान की तरक्की कहाँ हो रही है? अगर दुबई में मुशायरा हो रहा है तो वही गज़ल, अगर जम्मू में मुशायरा हो रहा है तो वही गज़ल। नए पढ़ने वालों का, नए लिखने वालों का तो कहीं उनका कोई एहतराम नहीं हो रहा है, ना उनकी हौसला अफजाई हो रही है, बल्कि उर्दू ज़बान तो पस्ती की तरफ जा रही है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हम आपके ख्याल उन सारे राइटर्स को बता देंगे जो शायरी करते हैं कि आपने, भाई साहब ने ऐसा कहा है, है ना, ये हम कर देंगे। ओके, हुज नेक्स्ट? एंड प्लीज़ जो आज का मौजू है उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ सर, मुझे मेरा सवाल जवाब देखते सर से हैं कि सर जब आप मुंबई आए हुए थे छोटे जगह शूट के, तो उसमें यश चोपड़ा जी आपके पास आते थे गाने कि आप संगीत लिखिए मेरे फिल्म का, गाने लिखिए, तो आप उसे हर बार मतलब भेज देते थे मैं नहीं लिखूँगा, ऐसा मैंने सुना, इंटरव्यू मैंने देखा है। तो उस टाइम जो यश चोपड़ा जी के लिए शब्द बहुत मायने रखते थे, पता नहीं आज की डेट में कितने लोग शब्द को उतना वैल्यू देते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप इस बारे में क्या बोलना चाहिए, उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि हम लोग शब्द को उतना मायने दें जिससे कि लोगों को कुछ उर्दू सारी भाषाओं को लेकर के साथ चले, कुछ मैसेज दे सके। आपसे उस इंसिडेंट के बारे में भी सुनना चाहेंगे और शब्द के बारे में। आप एक हद तक ये बात सही कह रहे हैं कि पहले जो पिछली जनरेशन में जो डायरेक्टर्स थे वो चूंकि ख़ुद उर्दू से वाकिफ़ थे आम तौर से, तो उनमें, या शायरी से वाकिफ़ थे तो उनमें, सबके सब नहीं, कुछ जैसे यश चोपड़ा का आपने नाम लिया, ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि पहले सब बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो थे और उनके यहाँ अच्छी पोइट्री होती थी और वो उसको इम्पोर्टेंस देते थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी साहिर के साथ काम किया, और अब साहिर साहब नहीं अवेलेबल थे, मजबूरी में मुझे ले लिया उन्होंने, जो भी है। लेकिन जहाँ तक आज का भी ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ टैलेंट की कमी आज भी नहीं है, और ये दोनों नौजवान डायरेक्टर जो मेरे इधर उधर बैठे हुए हैं, इनकी फिल्मों के अगर आप गीत सुनेंगे तो नहायत खूबसूरत गीत होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में हर आदमी अच्छा ही काम कर रहा था, होता क्या है कि वक्त में छलनी में जो ख़राब काम होता है बह जाता है, अच्छा रह जाता है, फिर हमें लगता है कि गोल्डन पीरियड चला गया। आज भी गोल्डन पीरियड है, आज भी ख़राब भी काम हो रहा है और अच्छा काम, ये दोनों जो बैठे हैं नहायत अच्छी फिल्में बनाते हैं, और इनकी फिल्मों में डायलॉग भी अच्छे होते हैं, इनकी फिल्मों में गीत भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छा बुरा काम तो हमेशा हुआ है। और इरशाद कामिल जो इनके सॉन्ग राइटर हैं, मैं तो, मुझे इतनी खुशी है, इत्मीनान है कि ऐसे राइटर अगर नौजवान आ रहे हैं तो उर्दू का और फिल्मी गानों का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है। मैं जावेद अख्तर साहब से एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ड्रामे में, थोड़ा सा, वो तो खैर मुझसे बहुत कुछ जानते हैं, ज़्यादा लिटिल एग्जेजरेशन तो हो जाता है, कैरेक्टर के सिलसिले में भी हो जाता है, सिचुएशंस के सिलसिले में भी हो जाता है, वो ड्रामाई शक्ल देने के सिलसिले में ही हो जाता है। मुगले आज़म को देख लीजिए, इट्स ऑल थिएट्रिकल जुबान है उसकी, लेकिन वो उसकी ज़रूरत के तहत, तो क्या ज़रूरत के तहत इतना करना जायज़ है या नाजायज़ है? शुक्रिया। ये मुनस्सर इस बात पर है कि जो आपकी फ़िल्म है उसका पिच क्या है। अगर आपने एक कहा कि भाई हम इस लेवल पर फिल्म बना रहे हैं, उसमें ये सीन, ये डायलॉग ठीक लगेगा। अगर आप रियलिज्म का लेवल ज़्यादा रखते हैं फिर बाद में इस तरह की लिबर्टी लेते हैं तो ठीक नहीं लगेगा। ये डिपेंड करता है कि किस सुर में आप गाना गा रहे हैं, उस सुर में ये नोट ठीक लगेगा और किसी दूसरे सुर में है तो नहीं लगेगा। तो ये मुनस्तर है कि अब आप मुगले आज़म के डायलॉग
अगर किसी एक कंटेम्प्रेरी पिक्चर में डाल देंगे तो अजीब से लगेंगे, लेकिन वो मुग़ल आज़म में ठीक लग रहे। हकीकत यह है कि मुग़ल आज़म की जो ज़बान थी वो ना अकबर जानता था, ना सलीम जानता था, ना अनारकली जानती थी। उस ज़माने में उर्दू इतनी डेवलप ही नहीं थी। मुझे शक है कि अकबर को मालूम भी था कि उर्दू नाम की कोई ज़बान है दुनिया में। वो तो बेचारा कुछ पर्शियन बोल लेता था, उसके बाद काठियावाड़ी बोलता था, अवधी बोलता था और पंजाबी बोलता था। ये आपको मालूम है पंजाबी बोलता था? हाँ, मैं आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन उसमें। ये सारी जबान जो उर्दू तो थी ही नहीं। ओके ओके, सो आई थिंक अभी हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। अच्छा चलिए, बाद में मिलेंगे। अच्छा सुनिए, आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब देने दीजिए, है ना? ये जवाब दे रहे हैं जावेद साहब। हाँ आप सुनिए। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया मैडम, प्लीज। अरे तो ये क्या किया है मैम, एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं लेकिन गलती, आप थोड़ा सा मौजब तरीके आप निकाल चुकी हैं, अब जवाब तो सुनने, इतना गुस्सा ना कीजिए। और अरे भाई भाई, जवाब तो अब जवाब तो देने दे मुझे। अभी आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात आप सुनेंगी? ये इस वक्त तो मैं आपको सफ़ा और किताब कोट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मुझे याद नहीं है, तो मेरे कॉलेज के डेज की बात है। फैक्ट ये है कि उर्दू जो जबान, तशरीफ रखिए, आप इतना नाराज़ ना होइए, कोई बात नहीं, पंजाबी बोलना इतना बुरा काम नहीं है, आप नाराज़ मत हो। अच्छा सुन लीजिए, अब आप तो बहुत नाराज़ हो गई। हकीकत यह है कि उर्दू तो डेवलप बहुत बरसों के बाद हुई। उसके ज़माने में, अकबर के ज़माने में उर्दू इस फॉर्म में थी ही नहीं। मुग़ल दरबार में उर्दू तो तब गई जब मुग़ल दरबार तबाह हो चुका था। इनको मुग़लों का उर्दू से कोई वास्ता ही नहीं था। एक बात ये तो मैं जानती हैं आप। अच्छा अच्छा, अब वो ज़बान जो आदमी, मतलब मैं आपको ये बता दूँ, मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता हूँ कि हिस्टोरियन ने ये तक लिखा है कि वो कौन सी गालियाँ देता था। अब मैं यहाँ वो गालियाँ नहीं दोहरा सकता हूँ, तो उसकी डिटेल। मिसाल के तौर पे अकबर का जो हुलिया आप मुग़ल आज़म में देखते हैं, ये हुलिया उसका नहीं था। मैं आपको एक और अभी बताता हूँ, मैं आपको, वो एक लुंगी पहनता था, एक छोटी सी बंडी पहनता था और सर पे सफ़ेद कपड़ा बांधता था, ये उसका हुलिया था। एक शिराजी नाम का एक ट्रेडर था जो आगरा आया, और उसने अपनी वो लिखी है, सफ़रनामा लिखा है, रफूताज लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि जब मैं आगरा गया तो मैंने अपने जो बिज़नेस पार्टनर जिसके पास गया था उससे कहा कि मैं यहाँ के बादशाह को देखना चाहता हूँ, बड़ी तारीफ सुनी उसकी। तो कहले कल बाज़ार में चलना, मैं तुम्हें दिखा दूँगा। तो कहले अब शाम को मुझे बाज़ार ले गया, हम इधर उधर घूम रहे थे, अचानक उसने कहा वो देखो वो सामने खड़ा है बादशाह। तो मैंने देखा तो एक 30-32 साल का आदमी एक अपनी उम्र के आदमी के कंधे पर हाथ रखा हुआ दुकानदारों से बात कर रहा था। कहले ये है बादशाह। अब ये हुलिया आपके जहन में आता है, यह आदमी आपके जहन में आता है? वो दुकानदार से क्या पर्शियन में बातें कर रहा था? आप सोचिए, वो आदमी जिसकी आप ओके, वी हैव टू एंड दिस नाउ। जावेद सिद्दीकी साहब, इम्तियाज अली, जावेद अख्तर साहब, तिग्मांशु धूरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड बहुत ही लुत्फ आया बात करने में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हमारे तमाम मेहमान आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।